नो देखिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ. फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. जैसे ये आपने जब सॉल्यूशन किया फर्स्ट का फर्स्ट आपका ए एन इज इक्वल टू अपने टू एन प्लस सेवन. दिस इज कॉल्ड एंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. एंथ टर्म या लास्ट टर्म आपका कह सकते हैं अपने तो ना वेन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड इट इज वन टू थ्री एन का फोर एंड सो एक्जेक्टली. तो ना अब आपको ना कीप इन आपका एन इज इक्वल टू वन आपका तो बना दिस यहाँ आप कर देंगे आपका देखो टू दिस ए वन इज इक्वल टू इंटू वन प्लस सेवन इज इक्वल टू चुनो एन इज इक्वल टू आपने टू किया यहाँ रख रहे ए टू इज इक्वल टू आपका देखो टू इंटू टू और प्लस सेवन इलेवन एन इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस थ्री एन इज इक्वल टू थ्री तो ए थ्री इज इक्वल टू आपका देखो टू इंटू थ्री और प्लस सेवन कितना कितना एन इज इक्वल टू फोर तो आपका ना देखो दस ए फोर आपका ए फोर इज इक्वल टू आपका टू इंटू फोर प्लस सेवन इसके ऐसे क्या इसके मतलब दस फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर आपका नाइन इलेवन थर्टीन एन आपका एक कॉमा है एक फिफ्टीन आपका ऐसे के लिए आप देखो दे आर स्पेसिफिकली बाइंडेड बाई सम रूल अंडर सम रूल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन आपका नाम आपका एज ऑफ योर टू आपका नाम होगी वो तो हम ए पी बात को पढ़ेंगे. अभी हम सीक्वेंस की बात करें. सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया सीक्वेंस कि जब वेन ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर मीन्स एवरी कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन ए सीक्वेंस वेन दे आर बाइंडेड बाई ईच अदर प्लस और माइनस साइन दैट इज कॉल्ड द सीरीज. नाउ डू प्लीज छेत्री छेत्री दूसरा आप कर लीजिए. एन इज इक्वल आपका एन माइनस फाइव अपॉन फोर तो आपका क्या आ रहा है व्हाट दे आर कमिंग माइनस फोर बाई फोर माइनस फोर बाई फोर का मतलब माइनस वन जी देन थ्री बाई फोर यानी कि ये दिस इज द ए वन आपका ही आया इसमें ए टू इज इक्वल टू दैट इज कमिंग आपका नाउ दिस वन ए थ्री इज इक्वल टू व्हाट माइनस टू बाई फोर मीन्स माइनस वन बाई टू एंड ए फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर या प्लस हाँ एग्जैक्टली ऐसे बोलेंगे तो ना तो उसके बाद आप लिखेंगे दस फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर माइनस वन कॉमा माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर अब पर्टिकुलर ऑर्डर यूज दिया आपका नाउ यदि कंसेक्यूटिव नाउ टर्म्स तो वो आपका सीक्वेंस होती है. दीदी फाइंड 25 टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 25th टर्म ऑफ ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय ये हो जाता है. तो आप सबसे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 1 बाय 6 एन इन टू एन प्लस 1 एंड 2 एन प्लस 1 ये आपका दिस ए गिवन जैसा ए सीक्वेंस आप लिखेंगे. So now, up, keeping n is equal to 25 in this given sequence. इस sequence में आप क्या करिए आप रख दीजिए a 25 यानी आपका equal to 1 upon 6 into 25 plus 25 plus 1 2 into 25 plus 1. So this 1 by 6 into 25 और into 26 और into ये आपका कितना हो गया 51 तो देखो इसका 3 2 जा 3 13 जा 3 से 3 17 जा आपका हो गया आपका नंबर से तो 25 into 13 into 17 तो 17 3 जा 51 5 17 1 जा 17 and 18, 19, 20, 22, 22, 1 into 25 हो गया. So now that is 5,
5, 2, 5. This is it. So this is the 25th term of the given sequence, which is an is equal to 1/6n into n plus 1 into 2n plus 1. ये आपका दिया होगा. तो सीक्वेंस बेसिकली आज इसमें सीक्वेंस में ये बताया गया कि सीक्वेंस होती क्या है. इज इट क्लियर? फाइन. अभी मेरे हिसाब से आपको 5-1 सीक्वेंस वगैरह बताई आपको कि नहीं बताई इसमें स्कूल में? 5-1 जिसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. नहीं होगा तभी नहीं याद है. ओके, तो नाउ टू यू. दिस